दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हिंदी सिनेमा के एक प्रतिभाशाली संगीतकार को दुष्टों ने कर दिया था बर्बाद? और कैसे मोहम्मद रफी के गाए एक गाने को सीने पर तमगे की तरह लगाए इस दुनिया से चला गया था वो संगीतकार। कौन था वो संगीतकार और कौन था वो गाना, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार विनोद की और मोहम्मद रफी की। इससे पहले कि हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं, आप पहले इस गाने को सुनिए। झुक गई है मिलके नजर, कुछ न पूछिए। अजी बस कुछ न पूछिए। दोस्तों, ये गाना है फिल्म एक थी लड़की का, जो आई थी 1949 में। इस फिल्म को बनाया था फिल्मकार रूप के शौरी ने और इसमें काम किया था मीना शौरी, मोतीलाल, कुलदीप कौर, आगा और आईएस जौहर ने। इसे लिखा था गीतकार अजीज कश्मीरी ने। किस जा लगा है तेरे नजर, कुछ न पूछिए। अजी बस कुछ न पूछिए। इस गाने में जो अभिनेत्री दिख रही हैं, उनका नाम है मीना शौरी। मीना शौरी के साथ हैं मोतीलाल। दोस्तों, यह अकेला हिट गाना है जिसे मोहम्मद रफी ने संगीतकार विनोद के लिए गाया था। इस गाने में मोहम्मद रफी के साथ हैं लता मंगेशकर। क्या कुछ हुआ है दिल पे असर, कुछ न पूछिए। अजी बस कुछ न पूछिए। दोस्तों, उस दौर में अभिनेता मोतीलाल का क्रेज हुआ करता था। मीना शौरी भी काफी लोकप्रिय थी। संगीतकार विनोद का ये खूबसूरत गाना लोगों के बीच हिट हो गया था और तब बड़े चाव से लोग इस गाने को सुना करते थे। अब हाल दिल या हाल जिगर, कुछ न पूछिए। अजी बस कुछ न पूछिए। दोस्तों, इस फिल्म का एक और गाना है जो सुपर हिट हुआ था और इतना लोकप्रिय हुआ था कि इसके बाद अभिनेत्री मीना शौरी का नाम लारा लप्पा गर्ल पड़ गया था। लारा लप्पा लाई रखदा, डिटप्पा लाई रखदा। दोस्तों, अब आते हैं संगीतकार विनोद पर। संगीतकार विनोद के बारे में आपको आगे बताएं, उससे पहले जरा आप स्क्रीन पर उनकी एक झलक देख लीजिए। अब आप मिस किरणा से गाना सुनेंगे जिसके बोल हैं दिल्ली से आया भाई टिंगू। जी हाँ, यही है संगीतकार विनोद। दोस्तों, संगीतकार विनोद का असली नाम है एरिक रॉबर्ट्स, यानी वो एक ईसाई थे। हिंदी फिल्मों में ईसाई कलाकारों की संख्या ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन उस दौर में फिल्मों में ऐसे कई बड़े ईसाई कलाकार हुए जिन्होंने अपनी पहचान जग जाहिर किए बिना काफी नाम कमाया। तो संगीतकार एरिक रॉबर्ट्स ने भी संगीतकार विनोद बनकर हिंदी सिनेमा में अच्छा नाम कमाया। दोस्तों, संगीतकार विनोद पैदा हुए थे 28 मई 1922 को लाहौर में। उनके पूर्वज पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर में थे, जो बाद में लाहौर में बस गए थे। लाहौर में संगीतकार विनोद ने प्रसिद्ध संगीतकार पंडित अमरनाथ से संगीत की शिक्षा ली, शास्त्रीय रागों के बारे में जाना और हारमोनियम वायलिन बजाना सीखा। संगीतकार विनोद ने 17 साल की उम्र में पहली बार लता मंगेशकर के लिए अपना पहला गाना सामने आएगा कोई जलवा दिखाएगा कोई रिकॉर्ड करवाया। दोस्तों, संगीतकार विनोद ने कुल 36 फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें 30 हिंदी और 6 पंजाबी थी। बतौर संगीतकार विनोद की जो फिल्में हिट हुईं वो थी एक थी लड़की, अनमोल रतन, वफा, सब्जबाग, आग का दरिया, लाडला और मक्खी चूस। दोस्तों, भारत विभाजन के समय फिल्मकार रूप की शौरी का लाहौर स्थित स्टूडियो जलाकर खाक कर दिया गया था। मजबूरन रूप की शौरी को बंबई भागना पड़ा था। उनके साथ ही उनकी पूरी टीम भी बंबई आई थी। इस टीम में संगीतकार विनोद और गीतकार अजीज कश्मीरी भी शामिल थे। दोस्तों, कहा जाता है कि तब अभिनेत्री मीना शौरी ने बर्बाद हो गए फिल्म प्रोड्यूसर रूप की शौरी की काफी मदद की और उन्हें दोबारा पैरों पर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी।
अभिनेत्री मीना शोरी और फिल्म प्रोड्यूसर रूप के शोरी ने मिलकर फिल्म एक थी लड़की बनाई और बाद में दोनों ने शादी कर ली। एक थी लड़की में संगीत दिया था विनोद ने। आजकल की नारियां हैं मुक्त की बीमारियां। दोस्तों, दुनिया मानती है कि इन दोनों लाइनों में आवाज गायक जीएम दुर्रानी और मोहम्मद रफी की है, लेकिन संगीतकार विनोद की बेटी वीणा के अनुसार ये आवाज जीएम दुर्रानी और मोहम्मद रफी की नहीं बल्कि गायक सतीश बत्रा और उनके पिता संगीतकार विनोद की है। काम कुछ करती नहीं और बांधती है साड़ियां। दोस्तों, कहा जाता है कि संगीतकार विनोद एक प्रतिभाशाली संगीतकार थे, लेकिन उस वक्त हिंदी सिनेमा में सक्रिय दुष्टों ने उन्हें व्यावसायिक रूप से सफल नहीं होने दिया। कहा जाता है कि 1948 से 1957 के बीच संगीतकार विनोद को एक साल में बमुश्किल एक या दो फिल्में ही मिल पाती थीं। यही वजह है कि उनका जीवन बड़ी ही गरीबी में बीता। कहा जाता है कि 1959 में संगीतकार विनोद बीमार पड़े और 25 दिसंबर 1959 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। संगीतकार विनोद की उम्र तब मात्र थी 37 साल। संगीतकार विनोद ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और अमर गीत दिए, लेकिन बेरहम वक्त ने उनके काम को भुला दिया, सिवाय मोहम्मद रफी के इस गाने के, जिसे संगीतकार विनोद अपने सीने पर तमगे की तरह लगाकर इस दुनिया से कूच कर गए। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्यों झुक गई है मिलके नजर, कुछ न पूछिए। अजी बस कुछ न पूछिए।